हाई uh, स्टोर्ट्स uh, एक अच्छे ने क्वेश्चन पूछा है कि कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल द माइनर सेगमेंट कट ऑफ बाय द कॉर्ड इज वन एट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल प्रूफ दैट टू एंड थीटा बाय टू प्लस पाई इक्वल टू थीटा पाई ओवर फोर्टी फाइव डिग्री ये एक क्वेश्चन है जस्ट सके डाउट कैसे होगा एक बार ध्यान से देखते हैं आम एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ बेटर रहेगा किधर होगा एक सेकेंड राइट तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं लेट सी एक सर्कल हो गया बढ़िया सा और इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ट्रायंगल राइट दिस चलो अब तो मैं इसके लिए कलर चेंज कर देता हूँ ठीक ठीक है, है ना और ये इसका सेंटर ले लेता हूं ठीक ऑलमोस्ट ठीक है ये चलिए तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे राइट ठीक है तो ये क्या कह रहा अकॉर्ड है hmm? का नाम लेट से मैंने यहाँ पे नाम रख दिया इसका राइट right. इसका नाम मैंने रख दिया ए और ये हो गया आपका बी ये ए बी हो गया इसमें बीच में मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रा किया और इसका नाम हमारे पास एम हो गया ठीक है अब ये हमारा सेंटर है क्या कह रहा था एरिया ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ बाई द कॉर्ड इज वन एड ऑफ समथिंग है ना तो सबसे बड़ी बात है कि ये एरिया है इसमें से मुझे कुछ सपरेट करना होगा तो ये चीज पूरा ये जो सेक्टर में से ये मुझे ये एरिया माइनस करना होगा इसको ठीक है तो मुझे इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहां पे कह तो थीटा, थीटा है, है? तो जब चलो ठीक है अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं ये हमारा एम पॉइंट हो गया और ये ओ पॉइंट हो गया ये हो गया लेट से इसका रेडियस है ये, तो ये आर ले लिया मैंने ये आर ले लिया ठीक है अब ध्यान से समझते हैं इसको हम क्या करेंगे जल्दी से देखो एग्जैक्टली exactly हमें क्या करना है तो अब जो बोला है इन्होंने वो हम लिख लेते हैं यहां पे, ठीक है ये क्या कहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है ना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है ये इट इज इक्वल टू वन अपॉन एट r स्क्वेयर ये बात क्लियर हो गई क्या अच्छा ठीक है तो एग्जैक्टली exactly सेगमेंट कैसे निकलता है ये निकलता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सेक्टर पूरा जो हो गया ये ए मतलब टोटल लेते हुए ये पूरा एरिया है ना यहां से लेके ये और इस तरह से लेते हुए ये पूरा पूरा है ना कंप्लीट है ना एरिया ऑफ सेक्टर माइनस माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आ, ए ए ओ बी यही तो आएगा ना भाई इस ट्रैंगल को आप माइनस कर दो समझ आ रही है फिगर को मैं ना खराब करके दूसरा सैसा से बताए तो ये सिचुएशन है आपके पास आपने ये कंडीशन डेवलप किया ये आया आपके पास ये आपका हो गया तो अब आपको क्या पूछ रहा है ये गैप कर दो इस पूरे में से ठीक ये आपको चाहिए दिस पार्ट ठीक

इन ट्राइंगल की बात करूं बेसिकली तो आपके पास मैंने ये प्रूफ किया बताने की कोशिश किया कि अगर ट्राइंगल में एंगल अगर ये जो हमारे पास ए ओ बी जो ट्राइंगल है ए ओ बी है ना लिख सकते हो आप यहां पे अगर लिखना चाहो तो इन ट्राइंगल ए बी में ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी क्योंकि अगर आपको एग्जाम में लिखना तो ऐसे लिखना होगा देयर तो फोर हम कह सकते हैं यहां पे कि एंगल ए ओ एम है ना ए क्या आएगा यहाँ पे ए ओ एम राइट इक्वल्स टू एंगल एम ओ बी इक्वल्स टू थीटा बाई टू ये बात क्लियर हो गई होगी हम्म तो एक्जैक्टली exactly अगर मैं बोलूँ सिंपल कंडीशन से क्योंकि वो डिस्टेंस बाई टू था एग्जैक्टली तो exactly मेरे पास क्या आ जाएगा अगर मैं डायरेक्टली बोलूं आपसे ए एम की वैल्यू कितनी होगी ए एम एम हो जाएगा आपके पास एम हो जाएगा आपके पास आर साइन थीटा बाई टू आर साइन थीटा बाई टू भाई परपेंडिकुलर ये है ये 90 डिग्री आपके पास एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा है ना ये पी होगा ये बी होगा और ये एच होगा हाई गॉट माई पॉइंट तो इस हिसाब से हमारा ए एम आ गया अच्छा मैं इसी तरीके से अगर आपसे ओ एम की बात पूछू तो ओ एम कितना होगा मेरे पास ओ एम हो जाएगा R बात तो इस तरह से अब मैं यहां पर अगर एरिया की मैं बात करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ टॉपिक पे ठीक है तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पे ये क्या सिचुएशन होगा ध्यान से समझ लेते हैं तो एग्जैक्टली exactly, हमारे पास जो सिचुएशन बिल्डअप होगी वो क्या होगी ठीक है एरिया ऑफ हम सेक्टर की बात कर रहे थे तो हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा ओके right. okay. तो ये हमारे पास क्या आएगा एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर हम सेक्टर की बात करें तो हमारे पास थीटा थ्री सिक्सटी मैं इस वाले पॉइंट को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ ये मैंने बेसिक समझाने की कोशिश की थी ताकि आप इजिली समझ पाओ तो यहां पर मेरे पास हो गया थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी हाँ और कितना आएगा पाई आर स्क्वायर यही तो होगा भाई पूरे का ए से लेकर के यहाँ से होते हुए ये पूरा है यही होगा पाई आर स्क्वायर इसमें से मुझे माइनस क्या करना है ठीक है माइनस करना मुझे यहां से आर स्क्वायर ठीक है अभी पिछले क्वेश्चन से भी हमने ऐसे किया था साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू थीटा बाई ये बात समझ में भाई सीधी कंडीशन है आपको ये वैल्यू निकालनी होगी क्योंकि आप क्या करोगे ये एरिया है एग्जैक्टली exactly क्या है इसका क्या होता है एक बात और समझ लो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ एरिया के लिए तो इसी जगह पे मैं अगर थोड़ा और मेंशन कर दूँ आपकी प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी यहाँ से मैं यहाँ पे एरिया की बात करूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ट्रैंगल ए ओ एम एम इसका कितना हो जाएगा पता है आपको ये हो जाएगा हाफ बेस इन हाइट है ना तो ओ एम

यहां तक आपको समझ में आ गया अब क्या करोगे आप सभी चीज को थोड़ा एक तरफ ले लेते हैं तो ये आ आपके पास आर है आर स्क्वायर और साइन बाई टू साइन थीटा बाई टू एंड uh, कॉस थीटा बाई ओके uh, okay. प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन इट राइट इक्वल्स टू थीटा अपॉन थ्री सिक्सटी इंटू पाई आर राइट चलो अब जो कटता है उसे काट देते हैं और यहां से मेरे पास क्या बचेगा जस्ट चेक इट आउट देखो एलसीएम ले लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा एट साइन थीटा टू कॉस थीटा बाई टू राइट यही आएगा और यहाँ पे हमने एलसीएम हम ले लिया आर ए स्क्वाट चुका हूं तो मेरे पास पाई बचा ठीक पाई बच्चा और एग्जैक्टली exactly आपके पास जो बचेगा यहाँ पे अपॉन फोर्टी फाइव बचेगा है ना अच्छा पाई तो ऊपर ही आएगा यहाँ पे आपके पास बच्चा फोर्टी फाइव पास ना गई देट वॉज इट टू बी प्रूव होप दिस आंसर योर क्वेश्चन ओके